हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने साबूदाने को 3-4 घंटे भिगा दिया था, और जितना साबूदाना लेंगे उसका आधा पानी डालकर भिगा देंगे इसको 3-4 घंटे के लिए। ये मैंने जीरा ले लिया है और घी ले लिया है, ये है काली मिर्च कुटी हुई, और मैंने नमक ले लिया सीधा, और ये मूँगफली का दाना। अब मैं उबले हुए आलू को काट लूँगी। उबले हुए आलू मैंने ले लिए काट के। उसके बाद ये कटी हरी मिर्च ले लिया 4-5, ये धनिया की पत्ती। अब हम लोग साबूदाना बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद इसमें अब मैं जीरा डाल रही हूँ, हमारा घी गर्म हो गया था। अब मैं इसमें हरी मिर्च कटी हुई डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल दूंगी, भून लूंगी इसको अच्छे से। देखिए मैंने मूंगफली दाना भून लिया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी कटे हुए। आलू को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। आलू में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ कुटी हुई काली मिर्च डाल दे रही हूँ। उसके बाद आलू को भून लूंगी अच्छे से। ये हमारा आलू लगभग भून चुका है। अब मैं इसमें साबूदाना डाल दूंगी। उसके बाद मिक्स कर दूंगी अच्छे से साबुदाने को। देखिए उसके बाद मैंने यहाँ धनिया की पत्ती डाल दी है ऊपर से। धनिया की पत्ती डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी धनिया की पत्ती को। देखिए मैंने धनिया की पत्ती को मिक्स कर दिया अच्छे से। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद हम लोग इसको सर्व कर देंगे, इसे चलाते रहेंगे। देखिए हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। देखिए कितनी खिली खिली की बनी हुई है खिचड़ी। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय गाइस।